विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या इस हद तक पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए कि वो चाहे तो एनकाउंटर कर दे? एक साहब ने कहा कि साहब एसएसपी साहब इनके हाजिरी देने जाते हैं। मैंने कहा भाई इससे अच्छा डूब मरो भाई, ऐसे अच्छा नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी को कहा कि इनको सस्पेंड करो प्रकाश सिंह को, जब तक मैं वापस मेरठ पहुंचे तब तक मेरा ट्रांसफर ऑर्डर पहुंच गया था। तो सरकार ने बड़ी चालाकी से काम किया, चालाकी बड़ा पोलाइट वर्ड है, सही माने में तो उसका शब्द होगा धूर्तता। अगर आज मुझे कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, मैं नजदीकी थाने में जाऊंगा, वो तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से कैसे उन पुलिस अफसर के खिलाफ कंप्लेंट की जानी चाहिए? मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद ये हमारा आज तक का वन ऑफ द सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा होगा। नमस्कार प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। आज हमने बुलाया है आप जैसी इतनी बड़ी शख्सियत को जिन्होंने पुलिस के अंदर इतना बड़ा योगदान दिया है, और बिना वक्त गवाए हम सीधा पहले सवाल की तरफ आते हैं। सर, पुलिस का सबसे पहला जो प्रेरक वाक्य है उनका यही है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन आज की हालात को देखकर ऐसा लग रहा है ये उल्टा होता जा रहा है। अपराधियों में तो विश्वास आ रहा है कि वो छूट जाएंगे, और जो आम जन है उनमें डर हो गया है कि पुलिस के चक्कर में ना फंसे। आपको क्यों लगता है सर, क्योंकि आपका इतना लंबा सफर रहा है पुलिस के अंदर, आप डीजीपी लेवल तक आपने काम किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में पीएलए फाइल करी है, आपको लगता है कि ये बात सच है और कहीं ना कहीं पुलिस के जो स्तर है वो कंटिन्यूसली घटता जा रहा है, आपको क्या लगता है सर? ओवर टू यू। देखिए, पहली बात तो इस तरह का जनरलाइजेशन करना शायद गलत होगा। आप जानते हैं पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, और कुछ राज्यों में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावी है, सख्त है, वहाँ तो क्रिमिनल्स के मन में भय है, परंतु जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ढीला ढाला है और पुलिस पे दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अपराधी ठीक है, उनके हौसले बुलंद है। तो पहली बात तो इस तरह का जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं होगा। जैसा आपने कहा, ये हिंदुस्तान भर के लिए ये बात लागू नहीं होती, और कुछ प्रदेशों में कहूँगा, जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में अपराधी भयभीत है, अपराधी भयभीत है, और शायद इतना भय अपराधियों के और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है कि हाँ, पुलिस अच्छा काम भी कर सकती है और अपराधियों को दंडित और आम जनता को सुरक्षा दे सकती है। फिर भी आपने जो एक जनरलाइजेशन किया, वो शायद ज़्यादातर स्टेट्स को अगर देखा जाए तो स्थिति ऐसी है कि जहाँ पुलिस की वर्किंग बहुत संतोषजनक नहीं है। अभी महाराष्ट्र का ही उदाहरण है, आपने देखा परमवीर सिंह का जो दृष्टांत सामने आया है, वो उसको उसमें जो कुछ हुआ है उसको पढ़कर किसी भी एक पुलिस अधिकारी का सिर गर्दन झुक जाती है कि भाई आखिर पुलिसकर्मी इतना गलत काम क्यों करते हैं। और कुछ और प्रदेश में भी, वेस्ट बंगाल में भी, जो इलेक्शन के बाद जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने जो कोहराम मचाया और विरोधियों पर जिस तरह से उन्होंने एक दमन चक्र चलाया, और ये सारी बातें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जांच से सामने आ चुकी हैं, उसको देखकर भी बहुत अफसोस होता है। तो मतलब ज़्यादातर राज्य में स्थिति ऐसी है कि पुलिस की कार्यप्रणाली या तो संतोषजनक है या संतोषजनक से नीचे है। बहुत अच्छी या जनता में विश्वास पैदा करने वाली या अपराधियों के मन में भय पैदा करने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने अगला सवाल ये पूछा। अब ऐसा होने के देखिए कारण बहुत सारे हैं। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि जो पुलिस सुधार हम लोग चाहते हैं और जिस पुलिस सुधार की हम कल्पना करते हैं और जिस पुलिस हम चाहते हैं कि ये पुलिस पीपल फ्रेंडली हो जाए, ये पुलिस अकाउंटेबल टू लॉ ऑफ द लैंड हो जाए, ये पुलिस रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करे, ये जो हम लोग चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चाहत पे अपनी मुहर लगाते हुए 2006 में जो आदेश पारित किए उनको जी प्रदेश लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखता है। और जिन लोगों ने लागू करने का जो दावा करते हैं, वो अगर आप गहराई में जाए तो लागू करने का उन्होंने ड्रामा किया है और एक कागज़ पे ऐसी खानापूरी की है जो जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंक सकें, परंतु ज़मीनी स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो एक तरफ तो पुलिस सुधार नहीं हुआ है, और दूसरे मैं कहूँगा कि प्रतिक्रिया स्वरूप रिएक्शन जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अब और अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। कुछ राज्यों ने दिखाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में
कानून बना दिए हैं, एक अलग पुलिस एक्ट बना दिया है। पर अगर आप इन पुलिस एक्ट्स को देखें तो इन्होंने जो वर्तमान में जो स्टेटस को था, जो वर्तमान व्यवस्था थी, उसी को कानूनी जमा पहना के एक एक्ट, एक अधिनियम बना दिया है। तो इस तरह से राज्य सरकारों में ऐसा लगता है कि इस देश का पॉलिटिकल क्लास, जो राजनीतिक वर्ग है और जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरा इन्होंने कमर कस ली है कि हम स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने देंगे, और जितना ही सुप्रीम कोर्ट से प्रयास होता है उतनी ही प्रतिक्रिया स्वरूप वह अपनी पकड़ किसी न किसी रूप में और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से मैं देख रहा हूँ कि हालात में सुधार तो नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी कहना कि सुधार नहीं हो रहा, ये भी कहना भी जनरलाइजेशन सही नहीं होगा। देखिए, इच्छा होते हुए भी या अनिच्छा से, चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी, कुछ ना कुछ वो मतलब पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब से DGP की जब नियुक्ति होनी होती है तो राज्य सरकारें मतलब न चाहते हुए भी पैनल भेज रही हैं UPSC में, और UPSC का पैनल जो आता है तो मजबूरी में मतलब जो नाम उनको नहीं पसंद है उसको भी उनको DGP बनाना पड़ रहा है। ये कई प्रदेशों में मैंने देखा। एक मुख्यमंत्री ने मुझसे मतलब बड़े उस तरह कहा, देखिए प्रकाश सिंह जी, आपने ये क्या कर दिया है, हम एक ऐसा आदमी DGP बन गया है, वगैरह वगैरह, जो जिसके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। तो अब यह है कि न चाहते हुए भी कुछ सुधार धीरे धीरे आ रहे हैं। इसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करें, अब इसमें भी राज्य सरकारें धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं और धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ा रही हैं, और किसी राज्य सरकार ने इस निर्देश के प्रति अपना विरोध नहीं व्यक्त किया है। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, पर फिर भी गाड़ी धीरे धीरे राज्यों के न चाहते हुए भी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। सर, जैसा आपने बोला कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी पुलिस का पूरा जो कंट्रोल इफेक्टिव और जो मैकेनिज्म जो काम करती है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। ना सिर्फ पुलिस के द्वारा जो क्राइम कंट्रोल होता है वो, बल्कि पुलिस की आपस में सिटी टू सिटी ट्रांसफर भी पूरी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। आपने एक एग्जाम्पल लिया, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पर काफी हद तक पुलिस डिपेंड करती है कि आपका CM और आपकी कैबिनेट कैसे आ रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री का इरादा सही हो और वो कैबिनेट से भी उनको सहयोग मिलता रहे तो फिर कोई कारण नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था में भी सुधार बहुत हो सकता है। और ये तो मतलब डिटर्मिनेशन की बात है। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर नेतृत्व तो सही है तो परिस्थितियाँ प्रतिकूल होते हुए भी सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, और अगर नेतृत्व तो प्रभावशाली है और व्यवस्था भी अच्छी है, और मतलब जो इस समय जो पुलिस पे जो रुकावटें हैं वो ना हो, तो फिर हम कहते हैं हम अपना मतलब इतनी अच्छी पुलिस का निर्माण कर सकते हैं जो दूसरों के लिए एक उदाहरण हो जाएगी। बिल्कुल सही बात की सर आपने। लेकिन अगर हम इसी तरह के CM की बात करें तो जब योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है तो एक आया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तो क्या इस हद तक पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए कि वो चाहे तो एनकाउंटर कर दे? जैसा उसमें दिखाया गया था, इट वॉज प्लान्ड एनकाउंटर, जो एक एलिगेशन आते हैं, ऑल्दो इट इज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। तो आपको लगता है कि इस तरह की पावर दी जानी चाहिए पुलिस को कि वो एनकाउंटर करे? देखिए, विकास दुबे इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, जो शायद आपको मालूम होनी चाहिए। जस्टिस चौहान एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने विकास दुबे इनकाउंटर की जांच की है और उन्होंने पुलिस को एकदम बेदाग साबित किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने कि, और मुझसे बल्कि जो रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी है वो अलग, वो जो मुझसे फ़ोन करके एक दिन कहा कि सिंह साहब हम क्या बताएं, हम तो नोटिस पे नोटिस इशू करते रहे, एक के बाद एक नोटिस इशू करते रहे, पर जो लोग कहते थे कि फर्जी इनकाउंटर है कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी सामने इस बात की तस्दीक करने नहीं आया कि पुलिस ने उनको एक फर्जी इनकाउंटर में मारा। तो फिर उन्होंने तो सारे इनकाउंटर को क्लियर कर दिया है और सारा मामला बेदाग, उन्होंने उस पर जुडिशियल इंक्वायरी की मुहर लगा दी है। तो इसके बारे में मैं, जस्टिस चौहान ने जो कुछ अपनी जाँच रिपोर्ट में लिख दिया है उसके बाद मैं और अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझता। पर पिछले कुछ टाइम में एनकाउंटर भी ज्यादा बढ़ गए, पहले कभी इतने एनकाउंटर सुनते नहीं थे, लेकिन आजकल हर थोड़े दिन में एनकाउंटर सुनने को मिलते हैं। देखिए, एनकाउंटर बढ़े हैं इसमें कोई संदेह नहीं, पर अगर आप कितने एनकाउंटर हुए हैं और कितने लोग मरे हैं, अगर दोनों का प्रोपोर्शन आपने कभी हिसाब लगाने की कोशिश की,
कुछ कुछ दिन पहले मैंने हिसाब लगाया था, मैं अप टू डेट तो नहीं हूँ, पर मैंने देखा कि 30 एनकाउंटर में एक मरे हैं। तो 30 एनकाउंटर में अगर एक मरा है तो मैं नहीं समझता कि संख्या कोई बहुत ज़्यादा है, बल्कि कोई विदेशी इसे पूछेगा तो कहेगा अरे आपके लगता है आपके सिपाहियों को गोली चलाने नहीं आती, 30 एनकाउंटर होता है और एक आदमी मरता है। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए इनकाउंटर्स की संख्या बढ़ी है तो वो भाई संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी। अराजक तत्व इतने बढ़ गए हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं। आजकल आपने ये कभी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं की कि आप अखबार अगर ध्यान से पढ़िए तो शायद हर तीसरे चौथे दिन पुलिस कर्मियों के पिटने की खबर आती है, हर तीसरे चौथे दिन खबर आती है। ये आप क्या समझते हैं कि स्टेट किसी राज्य के लिए कोई गर्व की बात है, या ये वर्तमान व्यवस्था क्या आप जैसे लोगों के लिए जो लॉ अबाइडिंग हो उनके लिए भी क्या ये ठीक है? कल आप भी पिट सकते हैं, अगर जब पुलिस पीट सकती है तो अराजक तत्व कल आपको भी पीट सकते हैं। ये व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है, और जिस प्रदेश में या जिस देश में ऐसे अराजक तत्व उनकी संख्या बढ़ जाए कि पुलिस को वो पिटाई करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है स्टेट की अथॉरिटी को असर्ट करने का। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। और जब पुलिस ऑफिसर इतनी मेहनत करने के बाद किसी हिस्ट्री शीटर को पकड़ते हैं और उनको इनाम तो मिलना चाहिए कोई पुलिस का पदक, लेकिन उनको इनाम मिलता है सीएम साहब से ट्रांसफर। मेरे यहाँ का, मैं आपको राजस्थान का एक सर किस्सा बताऊं सर, मैं आपको जैसलमेर के पास में बड़े फेमस तस्कर रहे हैं गाजी फकीर साहब। गाजी फकीर साहब के खिलाफ कहते हैं हिस्ट्री शीट खोली तो तत्कालीन एसपी को इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद कई फिर लिटिगेशन भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है क्योंकि आप खुद सिस्टम में रहे हैं, आप डीजीपी लेवल तक रहे हैं, आपको लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किसी पे कार्रवाई करने का और ना करने का। बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए यूपी की ही बात करें, अब यूपी में मैं डीजीपी रह चुका हूँ तो जानता हूँ मुख्तार अंसारी जैसे लोग कैसे पनपे हैं, कैसे ये बढ़े हैं। ये मुख्तार अंसारी को जब मैं डीजीपी था तो एक बहुत छोटा छोटा मोटा माफिया था। अब मैंने जब इसके खिलाफ कार्रवाई की तो ये तो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड चले गए, कहीं इनका पता नहीं चला। पुलिस ने कहा साहब इनका कहीं अता पता नहीं चल रहा, ये डर के मारे भाग गए हैं, प्रदेश छोड़ के भाग गए या कहाँ भाग गए किसी को पता नहीं चला। फिर इनके घर की हमने कुर्की करवा दी, सब कुछ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी सब कुछ करवा दी। फिर मेरा कार्यकाल तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो अन्य सरकारें आई, खासतौर से ये मुलायम सिंह की सरकार के टाइम में, इन लोगों को इतना इनके पर वरदहस्त हुआ, मुख्तार अंसारी और एक और अतीक अहमद जो इलाहाबाद था, ये माफिया इतने सशक्त हो गए कि मैं रिटायरमेंट के बाद जब मुझे एक साहब ने कहा कि साहब एसएसपी साहब इनके हाजिरी देने जाते हैं, मैंने कहा भाई इससे अच्छा डूब मरो भाई, ऐसे अच्छा नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते अगर तुम्हें उनके यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है और उनसे पूछ पूछ के कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इन पे एक बड़ा क्लासिक उदाहरण ये था कि किसी ने इसमें से एक माफिया की फ़ोटो खींच ली कि वो असेंबली के कॉरिडोर में फ़ोटो खींच ली, जबकि उस दिन उस तारीख को उस समय वह आदमी जेल के अंदर होना चाहिए। जब जेल के अंदर जो आदमी होना चाहिए कायदे से कागज पे तो जेल के अंदर है, और वहाँ सेक्रेटेरिएट के कॉरिडोर में घूमता हुआ उसकी फोटो खींची गई क्योंकि नेताओं का वरदहस्त उन पे था। तो जब नेताओं का वरदहस्त हो जाता है तो जिन आदमियों को हमें पकड़ के सख्ती से जेल में डाल देना चाहिए उनको हमारे कर्मियों को सैल्यूट करना पड़ता है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। ये ऐसी व्यवस्था है, ये जो नेक्सस जिसकी बात होती है, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस नेक्सस को तोड़ना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पर कोई आदमी कोई संस्था इसके लिए जो पहल करनी चाहिए, जो बोल्ड कदम उठाने चाहिए, इसके लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों में से कोई कर सकते हैं। और आप ये सोचिए कि पार्लियामेंट में इनके खिलाफ कोई बिल पास हो जाएगा तो वो बिल पास होने से रहा, क्योंकि आज की तारीख में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 43% 43% लोग हमारे पार्लियामेंट में ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इनसे आप हारे गिरे की तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा बिल पास कर दें जिससे कल ही ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाए। तो केवल इलेक्शन कमीशन बचता है या सुप्रीम कोर्ट बचता है। अब दोनों लोग कानून की दुहाई देते हैं कि साहब ये तो हमारा चार्टर नहीं है। अरे भाई चार्टर लेके चाटोगे या चार्टर देश के लिए है, चार्टर तुम्हारा चार्टर दिखाने के लिए नहीं है। देश की अगर अस्मिता पे, देश के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है तो थोड़ा सा चार्टर को दाहिने बाएं इंटरप्रेट करके, और कानून तो देखिए मैं तो इतने साल के 35 साल के तजुर्बे से कहता हूँ कानून को तो जैसा इंटरप्रेट कर दीजिए वैसा कानून है। उसी इलेक्शन कमीशन में सेशन थे, उन्होंने इलेक्शन रूल्स को ऐसा इंटरप्रेट किया कि सारे चीफ मिनिस्टर घबराते थे उनसे।
अब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं घबराता, जो सब लोग अपने मनमानी करते हैं। तो कानून को इंटरप्रेट करके किसी तरह से इस देश को बचाइए और आपराधिक तत्वों को पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी होने से इस देश को बचाइए। बिल्कुल, आपकी बात हमें काफी हद तक समझ में आई। अब हम बात करते हैं सर आपकी उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो एक बड़ा फेमस जजमेंट पढ़ते थे, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो उस समय की पुलिस रिफॉर्म की सबसे बड़ी पीआईएल थी, इनफैक्ट आज भी है। और मैं आपको मेरा पर्सनल बताऊं सर कि जब मैं लॉ कॉलेज में था तब मैंने भी एक पीआईएल डाली थी बाय फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो पुलिस हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गाजी फकीर जी के कारण जो ट्रांसफर हुई थी, तो मैंने भी राजस्थान हाईकोर्ट में वो पीआईएल डाली थी उस समय। तो अब मैं आपसे वो जानना चाहूंगा सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्या कारण थे कि जिसके कारण से आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या लैंडमार्क डायरेक्शन दी जो हमारे दर्शकों को कुछ बेनिफिट दे सके, वो बातें हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जाने का फैसला मैंने उस समय किया कि देखिए 35 साल में सर्विस में रहा, और सर्विस में डिपार्टमेंट में देखिए जब आपने वर्दी पहन रखी है, आपने शपथ ले रखी है, तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स के नियमों से बंध जाते हैं। उन नियमों को तोड़ना उचित नहीं है और संभव नहीं है, और मतलब ऐसे किया नहीं जाता, नॉर्मली किया नहीं जाता। तो मैं उन नियमों के अधीन और उन नियमों के अंतर्गत जितना हो सकता था मैंने अपने ढंग से प्रयास किया। मैं आईपीएस एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी था। मेरे प्रयास से कहीं उस समय एक अनाउंसमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया कि साहब आप कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। ये 70 के दशक की बात है, और उसके बाद सब तैयारी हो गई, कमिश्नर साहब का नाम भी अनाउंस हो गया कि वासुदेव पंजानी अगले कमिश्नर बनेंगे, और वासुदेव पंजानी साहब जो कमिश्नर डेजिग्नेट थे, और तत्कालीन होम सेक्रेटरी कल्याण कुमार बख्शी और तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री राम सिंह, ये तीनों आदमी दौरे पर गए हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी, वहाँ गए उसको स्टडी करने के लिए कि साहब कानपुर में भी इसे लागू करना है। परंतु जब तक वो लौटे तब तक आईएएस लॉबी ने उसको स्कटल कर दिया कि साहब ये चले गए नहीं, और फिर यथावत स्थिति चलती रही, और हमें 40 साल और इंतजार करना पड़ा, योगी आदित्यनाथ जैसे दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ा जिन्होंने कमिश्नरेट प्रणाली को उत्तर प्रदेश में लागू किया, और आज 4 जिलों में ये प्रणाली लागू है। तो इस तरह से मतलब मैंने ये देखा कि नौकरी में कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी सिर पीट लो, अगर मुख्यमंत्री भी कोई आश्वासन दे देते हैं, मुख्यमंत्री भी एक पब्लिक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको भी ब्यूरोक्रेसी उलट देती है और उसको ख़त्म कर देती है, और ये बात जहाँ की तहाँ रह जाती है। मैंने कहा फिर बचा क्या है भाई, किसके पास जाएं? ब्यूरोक्रेसी सुनने को नहीं तैयार है, पॉलिटिकल क्लास सामान्यतः नहीं सुनने को तैयार है, पर अगर वो सुन लेता है तो उसकी बात को ब्यूरोक्रेसी उसको ख़त्म कर देती है, तो फिर बचा क्या, कौन साधन बचा है? इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आखिरी दरवाजा बचा है, और अब मैं ऑल इंडिया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल से नहीं बंधा हूँ, मैं स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से ये पीआईएल डाल सकता हूँ। तो फिर मैंने 94 में मैं रिटायर हुआ। 2 साल मैंने जितना अध्ययन करना था, तैयारी करना था, सारी कमीशन की रिपोर्टें पढ़ना, ये वो सब करना, उसके बाद मैंने पीआईएल बनाई, और उसको मतलब फिर बड़ी मुश्किल हुई कि एडवोकेट कौन, कोई ऐसा मिले जो भाई बिना पैसे के कर दे, क्योंकि मैं पैसा तो मैं लगा नहीं सकता, मेरे पास कोई फालतू पैसा है नहीं, बस मेहनत की कमाई थी। तो फिर मैंने ढूंढते ढूंढते प्रशांत भूषण मिले, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उनका मैं हमेशा अनुग्रहित रहूंगा कि पिछले 25-26 साल से उन्होंने हमारे मुकदमे को किया है और एक पैसा नहीं लिया। खर्चे का जो होता था साहब, टाइपिंग कराना है, साइक्लो स्टाइलिंग कराना है, फोटोकॉपी कराना है, फलाना दिखाना, वो सब का पैसा, वो पैसा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, और क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सेटल थे, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो उतना खर्चा तो मैं कर सकता था, तो उतना खर्चा मैं करता रहा, उसकी उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और इस वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और अब रही सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे काफ़ी समय लगाया, 10 साल लगाया। मैंने जब पीआईएल किया था तो मैंने सोचा था कि भाई 4-5 साल में ये बात ख़त्म हो जाएगी, चलो अभी तक किसी ने नहीं कोशिश किया, हम कोशिश कर लें, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला तो 25-26 साल चलता रहेगा। किसी ने अगर कहा होता कि 25 साल चलेगा तो हो सकता है मैंने इस मामले को उठाया ना होता। पर अब मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जब किसी कॉज को हमने टिकअप कर लिया तो हम आधे रास्ते में उसको नहीं छोड़ सकते, और हार मानना मैंने सीखा नहीं है, इसलिए मैं उसमें लगा हूँ अब जब तक जिंदा हूँ लगा रहूँगा, उसके बाद कोई और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 10 साल के प्रयास के बाद आए, और 2006 में वो लैंडमार्क जजमेंट हुआ। उसमें 6 निर्देश थे राज्य सरकारों के लिए और 7वां निर्देश था केंद्र सरकार के लिए।
छह निर्देश जो राज्य सरकारों के लिए थे वो पहला तो था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था और इसका उद्देश्य था कि पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में 50% सदस्य ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा नामित होंगे, 50% सिविल सोसाइटी से ऐसे सदस्य होंगे जिनकी इंटेग्रिटी और जिनकी इम्पार्शियलिटी पे कोई आदमी उंगली ना उठा सके, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होंगे वो राज्य सरकार पे बाध्य होंगे। ये पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा, उन्होंने डायरेक्टर जनरल के चयन के बारे में कहा कि वर्तमान व्यवस्था में तो चीफ मिनिस्टर जिसको चाहता बना देता है, अपनी जाति का हो जाति को देखता है, फिर अपने पार्टी के सपोर्ट को देखता है, वो ये नहीं देखता कि आदमी प्रोफेशनली कितना कॉम्पिटेंट है। तो इस बात को ख़त्म करने के लिए हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि आप भाई जितने आदमी प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं इनका आप पैनल तीन आदमी पैनल बना के यूपीएससी को भेजिए, जो एलिजिबल ऑफिसर्स हैं 5, 6, 7, 8 जितने नाम हो उनको भेजिए, यूपीएससी उसमें से 3 नाम चुनेगा और 3 नाम आपको भेज देगा कि ये तीनों आदमी का कैरेक्टर सबसे अच्छा है, रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, इनमें से किसी एक को बना लीजिए। तो इससे दोनों मतलब सिद्ध हो गए। एक तो हो गया कि मुख्यमंत्री का जो प्रेरोगेटिव था उस पर आँच नहीं आई, मुख्यमंत्री ही चीफ मिनिस्टर डीजीपी का चयन करेंगे। दूसरी बात ये थी कि ये भी हमने सुनिश्चित कर लिया कि कोई अनाप शनाप आदमी नहीं बनेगा और 3 आदमी जो तीनों हैं योग्य हैं और तीनों में से कोई भी बन जाएगा तो भी राज्य अच्छी तरह से चलेगा। तीसरा था कि मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस का तो 2 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया था और ये कहा गया था कि जो लोग फील्ड ऑफिसर्स हैं, मतलब आईजी जोन है, डीआईजी रेंज है, एसपी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट है, एसएचओ इंचार्ज थाना है, इनका भी कार्यकाल 2 साल होगा। ये तीसरा निर्देश था। चौथा था सेपरेशन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का बड़े बड़े शहरों में। ये था कि बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी गिर जाती है क्योंकि सारा स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में लग जाता है। तो ये हुआ कि बड़े शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का अलग स्टाफ होगा, लॉ एंड ऑर्डर का अलग स्टाफ होगा और इन्वेस्टिगेशन के स्टाफ को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कभी नहीं लिया जाएगा। बहुत विशेष परिस्थितियाँ हुई तो उसका डीजी के आदेश से लिया जाएगा, अन्यथा सामान्यतः नहीं लिया जाएगा। उद्देश्य था कि ये लोग हमेशा इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। ये था चौथा। पांचवा था कि एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने, इसमें डीजीपी और 4 अन्य सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होंगे और ये लोग मतलब पुलिस पर्सनल की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का पर इनका अधिकार होगा। डिप्टी एसपी रैंक के तो सारे अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग यही लोग करेंगे और जो एसपी एंड अबव हैं उसके बारे में ये अपनी संस्तुतियाँ भेजेंगे जिस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी और अगर उससे सहमत नहीं है तो अपने रीजंस लिखते हुए उससे असहमति करके दूसरा आदमी को तैनात कर सकती है। और कंप्लेंट्स अथॉरिटी ये था कि राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों पे कंप्लेंट्स अथॉरिटीज बनेंगी। जो राज्य स्तर पे होगा उसके चेयरमैन होंगे कोई रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और जो स्टेट लेवल पे होगा उसके कोई चेयरमैन होंगे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और ये लोग मतलब इंक्वायर करेंगे इनटू केसेस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट अगेंस्ट पुलिस पर्सनल। सीरियस मिसकंडक्ट अगेंस्ट पुलिस पर्सनल की ये जांच करेंगे। और ये थे 6 और 7वां था राज्य सरकार केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी कमीशन वगैरह बनाने की बात थी। अब ये 6 जब ये कानून पास हुए तो खैर काफ़ी हलचल मची कि भाई ये तो क्या निर्देश आ गए, ये तो हमारी जायदाद चली जाएगी, जैसे जमींदार को से जायदाद उसकी जमींदारी छीन ली जाए उसी तरह ये जो एग्जीक्यूटिव है उसको लगा कि ये तो हमारी जमींदारी चली जाएगी। अब दिखाने के लिए तो उन्होंने स्वांग रचा और चीफ सेक्रेटरीज की और चीफ होम मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर्स की सबकी बैठकें दिल्ली में हुई, इसलिए ये दिखाने के लिए कि इसका अनुपालन कैसे किया जाए, परंतु वास्तव में उद्देश्य ये था कि इन आदेशों से कैसे बचा जाए। पर कहने के लिए यह था कि इसके अनुपालन के लिए क्या किया जाए, यह हम बैठक कर रहे हैं। अब उस बैठक के बाद हमने ये देखा कि ज़्यादातर राज्य सरकारें ने बड़ी चालाकी से काम किया। चालाकी बड़ा पोलाइट वर्ड है, सही माने में तो उसका शब्द होगा धूर्तता। इस माने में कि जो जजमेंट में एक लाइन ये लिखी थी कि यह निर्देश तभी तक लागू होंगे जब तक कि केंद्र और राज्य सरकारें अपना अपना कानून नहीं बना लेती हमारे निर्देशों के मुताबिक, ये था। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई देखो अगर कानून बना लोगे तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि निर्देश तब लागू नहीं होंगे, तो इन्होंने फटाफट कानून बना लिया। और देखिए सबसे पहले किसने कानून बनाया, आप कोई गेस कर सकते हैं? नमन जी आइडिया नहीं है, बिहार ने किया, जो सामान्यतः हर काम में पिछड़ा होता है। यहाँ उन्होंने सबसे पहले कानून बनाया कि भाई ताकि हम अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से बच जाए और हमने कहा भाई
हमने तो एक्ट बना दिया, अब आप हमको हमको छोड़िए, अब आपके आपके निर्देश हम पे नहीं लागू होते। तो बिहार ने सबसे पहले बनाया उन्होंने, और उनकी नकल में धीरे धीरे अन्य प्रदेशों ने भी बना लिया, पर बिहार का कानून सबसे वाहियात था। बिहार के एक अफसर ने कहा मुझसे कि सर ये तो कानून ऐसा बना है कि हमें ब्रिटिश सरकार के जमाने में नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ले जाएगा, वहाँ भेज दिया। तो इस तरह का कानून बने हैं, और वो कानून खैर उनका संवैधानिकता को चुनौती करने के लिए मैंने एक और PIL दाखिल की, उसको श्री हरीश सालवे ने आर्ग्यू किया। काफ़ी दिन तक तो बड़े जोरों से बुलंदी से चली वो, हरीश सालवे जी ने भी ताल ठोक के उस मामले को आगे बढ़ाया, पर अब सुप्रीम कोर्ट जब ठंडी पड़ गई तो सालवे साहब भी ठंडी पड़ गए, और मैं पिछले 5-6 साल से उस पिटिशन की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बाकी पिटिशंस के बारे में मैं समय समय से, बाकी राज्यों के बारे में मैं समय समय पे कंटेंट पिटिशन डालता रहा, अब तक 5 बार डाल चुका हूँ, पर मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि किसी कंटेंट पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तक आज तक नहीं जारी किया है। तो अब मैं थोड़ा सा निराशा भी है, पर आशा की किरण भी वहीं सुप्रीम कोर्ट से ही है। और मैंने ये देखा है कि पिछले अपने 25 साल के अनुभव में कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा जज आ जाता है जो मतलब कॉन्शियंशियस है और जो समाज का भला करना चाहता है, वो तो फिर PIL को आगे बढ़ाता है, राज्य सरकारों को चाबी लगाता है। बीच में ऐसे भी जज आ जाते हैं भाई कौन इस पचड़े में पड़े, जैसे गाड़ी चल रही चलने दो और उनका अपना टाइम निकाल के चले जाते हैं। तो हर तरह के, जैसे हर तरह के अफसर होते हैं वैसे हर तरह के जज भी हैं। तो इस तरह से चल रहा है, अब संघर्ष चल रहा है। अब वर्तमान चीफ जस्टिस ने के कई बयान ऐसे आए जिससे मेरा उत्साह वर्धन हुआ है। हाँ, तो मैंने अपने एडवोकेट से कह रखा, और एडवोकेट साहब ने, प्रशांत भूषण ने, चीफ जस्टिस से कह भी रखा है कि हमें केस शुड बी लिस्टेड, क्योंकि दो साल से लिस्टिंग ही नहीं हुई उसकी, उसके केस की लिस्ट करिए मेन पिटिशन की, और देखिए उसमें क्या क्या कार्रवाई बाकी है, ताकि बाकी राज्यों को भी चाबी लगाई जा सके। तो अभी संघर्ष रहा है, मैंने कहा ना कि ये तो मेरे जीवन काल तक तो चलता ही रहेगा, आगे कोई और बंदा खड़ा होगा फिर उसको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और मैं आपके लास्ट जो डायरेक्शन थी वहां से एक बात उठाना चाहूंगा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की। एक आम इंसान को जब पुलिस परेशान करती है या जब उसको लगता है कि, वैसे तो पुलिस बहुत अच्छा काम करती है लेकिन कई बार आपने जैसे कहा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे ऑफिसर जो आते हैं जो किसी न किसी कारण से वो प्रयास करते हैं लोगों को परेशान करने का, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए? बिकॉज अगर आज मुझे कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, मैं नजदीकी थाने में जाऊंगा, वो तो मेरे FIR दर्ज नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से कैसे उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट की जानी चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल रहेगा। इसी उद्देश्य से कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनी थी कि जो इस समय जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो उतने प्रभावी नहीं सिद्ध हो रहे हैं, तो इसलिए ये हुआ कि कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए राज्य सरकारों में और जिला स्तर पे भी। दुर्भाग्य से ज़्यादातर राज्यों ने या तो कंप्लेंट्स अथॉरिटी का मतलब गठन तो किया है, परंतु गठन ऐसा किया है उल्टा सीधा चेयरमैन लगा दिया है। अब कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का चेयरमैन लगाओ, तो उन्होंने किसी और को चेयरमैन बनाया, किसी ने कमिश्नर को बना दिया, किसी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना दिया, किसी ने लोकायुक्त को बना दिया, और फिर ये था कि इनको सहायता के लिए कुछ स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ नहीं दिया, कंप्लेंट्स अथॉरिटी की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होनी चाहिए, वो प्रोविजन ही उन्होंने हटा दिया। तो कंप्लेंट्स अथॉरिटी के दांत उन्होंने बनने के पहले ही तोड़ दिए, और उसके बाद एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया जो टूथलेस टाइगर है। तो अब UP ने तो कहा हम कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाएंगे ही नहीं, वो कहते हैं कि अब भाई हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, वुमेन्स कमीशन है, चाइल्ड राइट्स, दुनिया भर के कमीशन है, ये लोग अपना जांच करते रहेंगे। तो कंप्लेंट्स अथॉरिटीज का या तो गठन नहीं हुआ है, और अगर गठन हुआ है तो उनके मतलब कंपोजिशन को डाइल्यूट किया गया है, उनकी पावर्स को कर्टेल किया गया है, और इस तरह से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े किए वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अगर पुलिस विभाग में के अफसर ये ठान लें कि हम अपनी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराएंगे, तो किसी बाहरी संस्था की जांच ही की नहीं जरूरत है। मुझे तो नहीं याद आता कि मेरे टाइम में कोई मेरे जांच से असंतुष्ट हो के कहीं उसके बाद कहीं गया हो। भाई जो बात है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील इन पुलिस डिपार्टमेंट लाइज विद द डायरेक्टर जनरल पुलिस, और अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस ये सोच ले कि हमें न्याय करना है, निष्पक्ष जांच करानी है, तो फिर किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। पर मुश्किल ये है कि आजकल अब पता नहीं क्या हो गया, माहौल इतना बदल गया है, दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या अफसर कमज़ोर हो गए, मैं नहीं जानता कोई भी, पर हाँ अब डायरेक्टर जनरल पुलिस पे भी लोगों का विश्वास नहीं होता है, वहाँ भी बात नहीं ख़त्म होती बल्कि उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, वो भी दोषी होते हैं,
और कभी कभी होम डिपार्टमेंट उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो नहीं काम कर पाते, बहुत सारे कारण हैं। पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट सचमुच में इफेक्टिव हो, सचमुच में आप एक सही आदमी को, मजबूत आदमी को जो प्रभावशाली हो और जो निष्पक्षता में और न्याय में विश्वास करता हो उसको रखिए, तो आपको डायरेक्टर जनरल पुलिस के बाद मतलब विभाग के बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो मेरे कार्यकाल में मुझे नहीं याद कि किसी ने कहा हो कि नहीं भाई इनकी जाँच से हमें संतोष नहीं है, विभाग से हमें संतोष नहीं मिला, हम हाईकोर्ट में जाएंगे, कुछ सवाल ही नहीं उठता था। पर अब आजकल मैंने कहा हालात बहुत बदल गए हैं, शायद दबाव बढ़ गया है, नेता ज़्यादा प्रेशर लगाने लगे हैं अब, या अफसर कमज़ोर हो गए, बहुत से कारण हैं। अब हमें कंप्लेंट्स अथॉरिटी की ज़रूरत है और उसके गठन न होना और अगर गठन हुआ तो सही ढंग से न गठन होना, उसकी कार्य उसकी जो शक्तियों में मतलब उसको डाइल्यूट करके उसको लगाना, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं। कागजी कंप्लायंस हो जाती है, उसका परिणाम वास्तव में हमें देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात सर। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। एक लास्ट सवाल आपका, आपसे हम पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे सर। आपने इतना लंबा समय दिया एज अ डीजीपी एंड एज अ वेरियस पोस्ट पे, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी बात जहां पर जो हमारे दर्शकों को कुछ एक नया अनुभव थे, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस विद एनी ऑफिसर, एनी पॉलिटिशियन, एनीथिंग? देखिए हमारे जीवन में ऐसे परेशानियां तो बहुत हुई, पर तीन मेजर सेटबैक्स हुए थे। मैं पहले वाले का उल्लेख कर देता हूं। मैं था डीआईजी मेरठ। अच्छा, डीआईजी मेरठ मैं कैसे बना वो भी एक रहस्य। मेरा अभी भी तरक्की हुई थी और जूनियर मतलब मेरठ का चार्ज बड़ा सीनियर डीआईजी का चार्ज माना जाता था, पर उसी समय केंद्र में तख्ता पलटा था, जनता पार्टी की सरकार आई थी, चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर बने थे, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये हुआ कि भाई चौधरी चरण सिंह का मामला होम मिनिस्टर है तो मेरठ में ऐसे डीआईजी लगाओ जिस पे उनसे अप्रूवल ले लो, वरना पता नहीं चरण चौधरी साहब को पसंद आए ना पसंद आए। अब उस अप्रूवल लेने के चक्कर में एक महीने तक वो पोस्ट खाली रही। कोई अच्छा पहले तो जो लोग डीआईजी मेरठ के लिए कूद के जाते थे, जब देखा कि चौधरी साहब दिल्ली में बैठेंगे तो लोग डर के मारे भैया बाजाए ऐसे, पता नहीं चौधरी साहब कोई ठिकाना नहीं, बड़े सख्त आदमी है, कैसे पेश आए और कैसे सस्पेंड करा दें, क्या कर दें। तो ये हुआ कि तलाश होने लगी, तलाश होते होते किसी मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी जयंत चतुर्वेदी साहब, उन दिनों पुलिस कमिश्नर थे, उनके चौधरी साहब के विश्वास पात्र थे, उन्होंने कहा साहब प्रकाश सिंह को बना दीजिए, ये नया अफसर है पर ये बड़े ईमानदारी से और बड़े अच्छे ढंग से काम करेगा, इसलिए मेरा पोस्टिंग हो गई डीआईजी मेरठ। अब जब मेरी पोस्टिंग हो गई तो लोगों ने पूछना शुरू किया, भैया तुम क्या जाट हो क्या? मैंने कहा नहीं भैया मैं तो जाट नहीं हूँ। फिर किसी ने पूछा क्या तुम मेरठ के रहने वाले हो? मैंने कहा नहीं भैया मैं मेरठ का रहने वाला भी नहीं हूँ। अच्छा चौधरी साहब तुम्हें जानते हैं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जानते मैं, हम लोग एक दूसरे आमने सामने। तो लोग सोचे पता नहीं कैसे इसकी पोस्टिंग हुई, सब बात का या तो ये झूठ बोल रहा है प्रकाश सिंह, जबकि मैं सही बात बताई थी। तो लोग बड़े चक्कर में पड़े कि कैसे पोस्टिंग। खैर मेरी पोस्टिंग हो गई तो मैंने कहा ये पोस्टिंग मेरे लिए बड़ी भारी चुनौती है, मुझे तो बड़ी ईमानदारी से काम करना है। और मैंने विश्वास मानिए मैंने बेईमान अफसरों के खिलाफ एक जैसे क्रूसेड चलता है उस तरह से काम किया। अब उस क्रूसेड में हुआ ये कि 10-12 दरोगा सस्पेंड हो गए स्टेशन, हाँ पूरे रेंज भर में, मेरा ट्रेन बहुत बड़ा था, 7 जिलों का था। मैं सरप्राइज में पहुंच जाता था किसी जगह जहां की शिकायतें ज़्यादा आती थी और वहां पे जांच किया, पता चला जाओ छुट्टी तुम्हारी, या तो सस्पेंड हो गए लाइन हाजिर हो गए। अब हुआ ये, अच्छा मेरी जो आदत थी मैंने आज मतलब नौकरी में कभी किसी की जात की चिंता नहीं की, किसी का धर्म नहीं पूछा, मेरे लिए बस या तो अच्छे अफसर हैं या खराब अफसर हैं, खराब हो गए तो भैया मेरे मुझसे दंडित हो गए हो गए। अब ये इत्तेफाक से इसमें से अधिकांश एक जाति के निकल गए। अब वो जाति, अच्छा हुआ ये था कि चौधरी साहब के बनने के बाद सब उसी जाति के लोग मेरठ में पहुंच गए थे, निकाली थी। अब मैं किसी से जात थोड़े पूछूं, अब सिंह है तो वो राजपूत भी हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, पर वो सब निकल गए जाट। तो इन्होंने जाके चौधरी साहब से शिकायत की कि साहब देखिए ये तो जाट विरोधी है। अब चौधरी साहब ऐसे तो मतलब गजब के आदमी थे और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे, पर जाति के मामले में वो जरा कान के कच्चे थे। अब उन्होंने शिकायत को सही समझ लिया, मुझको बुलाया गया, मेरी पेशी हुई, मैं गया उनके सामने। अब वो तो गुस्से से तमतमाए बैठे थे, उनका चेहरे पे मतलब गुस्से की लाली आ गई थी। मैं उनको समझाता रहा, बड़े
बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से और बड़ी दृढ़ता से समझाता रहा कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है और इनके खिलाफ ये कहानी थी, पर वो कोई बात सुनने को ही नहीं तैयार थे। जब वो कोई बात सुनने को नहीं तैयार थे तो मैंने फिर उनको भी सल्यूट किया और फिर चले आए। क्या करें, नहीं सुनने को तैयार थे, ठीक है सर। जब तक मैं वापस मेरठ पहुंचे तब तो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर पहुंच गया था। अच्छा, यहीं तक रहता तो गनीमत थी। हुआ है क्या कि ये बेईमान दरोगाओं ने सोचा कि न केवल ट्रांसफर करा जाए, इनको सस्पेंड करा जाए। तो मेरे खिलाफ, हाँ, तो मेरे खिलाफ कुछ फर्जी शिकायत पत्र बनाया गया। तो अब उन दिनों मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, वो चौधरी चरण सिंह के चमचे थे, उन्हीं के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे। अब तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी को कहा कि इनको सस्पेंड करो प्रकाश सिंह को। अब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसी बहुत बड़ी ताकत है, कोई भी होम मिनिस्टर हो, और वो चीफ मिनिस्टर को कह दे जो उसका चमचा है इसको सस्पेंड, तो उनको तो आदेश का पालन करना था। उन्होंने कहा भाई इसको सस्पेंड करो, पर देखिए ईश्वरीय मदद कब किस रूप में सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी गए चीफ मिनिस्टर से मिलने कि सर ये आपने आदेश जो किया है, पर देखिए उन दिनों ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ा दम था, मैं कहूँगा आज की तरह स्पाइनलेस नहीं हो गए थे, ज़्यादातर स्पाइनलेस हो रहे हैं। तो उन्होंने जा कहा साहब ऐसे तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हर सस्पेंशन के लिए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रारंभिक जांच आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया कुछ आरोप हों तो सस्पेंड किया जाए, तो ऐसे तो सस्पेंड हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने जेब से निकाला एक पर्ची को दे दिया कि देखिए ये इनके खिलाफ आरोप हैं। तो उन्होंने आरोप पढ़ के समझ गए कि ये तो सब फर्जी लगे हैं, तो उनका सब बिल्कुल सस्पेंड करते हैं पर इसकी जाँच हम करवा लेते हैं पहले। तो राम नरेश यादव जी ने कहा भाई जांच एक हफ्ते में होनी चाहिए, एक हफ्ते में जांच पूरी करके इनको सस्पेंड करिए। उनका सब बिल्कुल ठीक है, एक हफ्ते में जैसे ही जांच साबित हो गई हम तुरंत सस्पेंड कर देंगे। अभी एक हफ्ते का समय उनको मिल गया, उन्होंने तुरंत एंटी करप्शन की जांच सेटअप की और कहा भाई जाओ उसको 5 दिन में इसकी रिपोर्ट दो, क्योंकि 6वें दिन हमको तय करके मुख्यमंत्री के सामने। एंटी करप्शन ने ताबड़तोड़ जाँच की, सब या इधर उधर किया, उनको शून्य मिला, कुछ नहीं मिला। उनका साहब कोई आरोप नहीं प्रमाणित हो रहे तो सब फर्जी हैं। तो आरोप थे पैसा लिया है और व्यभिचार, उनका हमारे दुश्मन जो थे यूपी पुलिस में वो भी कहते भाई प्रकाश सिंह पैसा नहीं ले सकते, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो खैर सब निकल गया कि सब सारे आरोप गलत हैं। अब फिर ईश्वरीय मदद होती रही, मेरा 5-6 महीने से एक ऑस्ट्रेलिया में जाने का कोर्स लगा था कि शायद लग जा, उसी समय वो ऑस्ट्रेलिया जाने का आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज माउंट एलिजा ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आपको 2 महीने का कोर्स है। मैंने चुपचाप बिस्तर अपना बांधा और मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब गवर्नमेंट ऑर्डर से गया। अब मैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। अब लोगों ने देखा कि आरोप भी नहीं प्रमाणित है और ये आदमी भी पता नहीं कहाँ चला गया है, मामला फिर धीरे धीरे भूल गए लोग। फिर जब मैं लौट के आया तो फिर वो बात हुई कि भाई ये तो फेवर में है नहीं। तो उन्होंने हमको ऐसी पोस्ट पर पटक दिया जो एकदम महत्वहीन पोस्ट थी, जिस पर कोई काम ही नहीं था। डीआईजी कंप्यूटर सेंटर बना दिया, डीआईजी कंप्यूटर, उस समय तो कंप्यूटर था ही नहीं। कंप्यूटर सेंटर क्या हो, तो कंप्यूटर सेंटर, खैर मैंने उसकी कंप्यूटर सेंटर की जड़ें उसकी डाली हमने उन दिनों, पर ये था कि एकदम मतलब अनइम्पॉर्टेंट काम है, तो बेकार किसी को पटकना हो तो वहाँ डाल दिया। ये मेरे जीवन का एक अनुभव था कि कैसे मतलब नेता बिना सोचे समझे अच्छे अफसरों को भी प्रताड़ित करता है, उसका एक उदाहरण है। खैर चौधरी साहब वैसे बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनको उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा है, पर अब ये कान के कच्चे थे, हर आदमी में कुछ कमजोरी होती है, उनमें भी कान कमजोरी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज बहुत मजा आया कि हमें आपसे इतनी इंसाइट्स मिली, ना सिर्फ इंसाइट्स मिली अबाउट योर करियर बट हमें पुलिस रिफॉर्म के बारे में पता लगा, और एक आम आदमी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद ये हमारा आज तक का वन ऑफ द सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना इतना बेशकीमती समय निकाला। मैं तहे दिल से आपका इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार नमस्कार।